कल रात का गेम कुछ ऐसा था कि मैं अगर फर्स्ट लेग को एक्सटेंड कर देता और बोलता कि भाई इसी लेग में आपको गेम खत्म करके मुझे दिखाना है, तो कुछ रिजल्ट ऐसा ही होता, मैन सिटी विनर्स होती। क्योंकि पहले लेग में भी मैन सिटी वर द बेटर टीम एंड सेकंड लेग में भी एक माइल्ड डिफरेंस से मैन सिटी वर द बेटर टीम एंड रियल मैड्रिड मेड सम मिस्टेक्स एज वेल। क्या मिस्टेक्स रियल मैड्रिड ने करे और कैसे मैन सिटी ने 4 गोल स्कोर कराए, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, पूरा रिव्यू लेंगे। और आई एम रियली सॉरी गाइस, 7:30 बजे जो आपको जो है वो न्यूज अपडेट फुटबॉल स्टोरीज की देखने को मिल जाती है, लेकिन आज उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा पुश किया है, आपको दोपहर को जो है वो 2:30 पे आज की फुटबॉल अपडेट देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एक फुटबॉल फैन है तो ऑब्वियसली कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बिकॉज हर सुबह 7:30 बजे आपको फुटबॉल की डेली स्टोरीज देखने को मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस गेम डूड, मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला ने रियल मैड्रिड को एक ऐसे माया जाल में फंसाया जिसके चलते रियल मैड्रिड ने ऐसा काम किया जिसमें उन लोग कंफर्टेबल नहीं थे। आप अपने अगर ओपोनेंट को, अगर आपका ओपोनेंट काफी बेहतरीन है आपसे ऑब्वियसली सुपीरियर है और आप उसके कंपटीशन में खेल रहे हो, तो कुछ ऐसा करो कि एक ऐसे सिचुएशन अपने ओपोनेंट को डाल दो कि भाई वो कंफर्टेबल ना रहे। और एक्जेक्टली कल रियल मैड्रिड को वही करा है। टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच, वाल्वर्डे, विनिशियस ऑल वर इन दोस पोजीशंस जहां पे वो कभी भी कंफर्टेबल नजर नहीं आते हैं। एंड पेप गार्डियोला ने उन सब चीजों के ऊपर गौर किया जो पूरे सीजन कार्लो एंचेलोटी की चल रही थी। नाउ लेट मी बी रियली वेरी ऑनेस्ट, सेमीफाइनल पहुंचने वाले गेम से पहले जो रियल मैड्रिड का जो यूसीएल कंपटीशन चालू हुआ था, इससे पहले रियल मैड्रिड फैंस वर लिटरली वेरी नाराज ऑन कार्लो एंचेलोटी। उसकी सैकिंग की बातें काफी जोरों शोरों से चल रही थी। वो तो इस यूसीएल के कंपटीशन का भला हो और उस सेमीफाइनल में पहुंचने का भला हो कि भाई साहब कार्लो एंचेलोटी के ऊपर ना उतनी बातें नहीं उठ रही थी। देखें, सीधी सी बात ये है, एवरीबॉडी न्यू इन दिस सीजन कि भाई कार्लो एंचेलोटी वाज वेरी डिपेंडेंट अपॉन विनिशियस जूनियर, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, हु इज डू समथिंग इन द गेम। एंड रियल मैड्रिड फैंस देमसेल्फ फॉर कॉलिंग आउट कार्लो एंचेलोटी फॉर नॉट यूजिंग प्रॉपर टैक्टिक्स इन द गेम। वो हमेशा ये कहते थे कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस में जो है वो भाई साहब शुमार रहता था, लेकिन अब वही कुछ कहानी ऐसी जमी कि भाई ऑल दो लीग में इतना गंदा खेले इन लोग लीग में, ठीक है, बार्सिलोना से 15 पॉइंट पीछे हैं भाई, यूसीएल में सेमीफाइनल पहुंच गए ना तो लोग सब भूल गए। और ना एक चीज जो अपन हमेशा कहते हुए आया रियल मैड्रिड के लिए कि यार यूसीएल तो रियल मैड्रिड का है, यूसीएल तो रियल मैड्रिड का, लाइक द कॉम्पिटिशन इज देयर, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन रहता है, मैन सिटी आ जाएगी, पीएसजी आ जाएगी, बट ऑब्वियसली आपको बार बार मैन सिटी, पीएसजी इन सबको पेलते हुए नजर आई है रियल मैड्रिड, क्योंकि यूसीएल इज रियल मैड्रिड्स कंपटीशन ऑब्वियसली। तो ये चीज जितना उनको फेवर करता है ना उतना उनको बाइट भी कर रहा है। लाइक अगर कोई एक नॉर्मल टीम रहती, दूसरी टीम रहती जो सेमीफाइनल में पहुंच के ऐसे बाहर निकल जाती ना मैन सिटी के खिलाफ, लाइक मैन सिटी ऑब्वियसली द सुपीरियर टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, हाउ डोमिनेंट दे आर इन प्रीमियर लीग आप देखें, कोई भी नॉर्मल टीम 4-0 हार के सेमीफाइनल से निकल जाती यूसीएल से, एवरीबॉडी वुड हैव बीन लाइक हां चलो ठीक है, मतलब एटलीस्ट वी रीच द सेमीफाइनल्स है ना। लाइक लुक एट एसी मिलान, दे आई नो वो बिटर हो गया क्योंकि इंटर मिलान से हारे, बट अगर वो मैन सिटी से हारते फॉरेंस तो वो वही कहते ना कि हाँ मतलब ठीक है यार, एटलीस्ट वी रीच द सेमीफाइनल्स ना, कि अपन का आप देख लो अभी कैसा कहानी चल रहा है, लेकिन हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन जस्ट बिकॉज द रियल मैड्रिड है, ये यूसीएल है, ये उनका कॉम्पिटिशन है, दिस इज बाइटिंग देम ऑफ, दे शुड हैव बीन इन द फाइनल्स। एंड यहाँ पे फिर से कार्लो एंचेलोटी के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या? लेकिन पापा पेरेस तो अब कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बार कि वो रुकेंगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगी। बट जितना ये चीज उनको फेवर करता है ना कि ये उनका कंपटीशन, उनका कंपटीशन है, उतना जोर से काटने भी दौड़ा भाई ये चीज। एनीवेज लेट्स लुक इन द गेम, हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि कहां पे क्या-क्या गलतियां करी रियल मैड्रिड ने और कहां-कहां एडवांटेज उठाया मैन सिटी ने। एज आई टोल्ड यू गाइस, भाई मैन सिटी ने एक ऐसे सिचुएशन में डाला रियल मैड्रिड को जहां वो कभी भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए, और वो है डिफेंड करने में। उनकी डिफेंस उतनी अच्छी नहीं नजर आई इस सीजन। आप मैं ला लीगा के बारे में बहुत बार बात कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, अब देखें भाई व्हाट इज दिस, आई नेवर सीन रियल मैड्रिड सो बैक, एंड दिस इज नॉट रियल मैड्रिड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। कार्लो एंचेलोटी को कुछ अलग करना चाहिए था। आई नो आप एतिहाद में है और पूरी हिस्ट्री और पूरी फैक्ट्स, एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो प्रीव्यू में भी, इज फेवरिंग मैन सिटी, बट दैट डज नॉट मीन कि भाई आप रियल मैड्रिड होकर के इतना 5 at the back, 4 at the mid एंड केवल 1 at the top पहने। भाई ये क्या है, ये क्या फॉर्मेशन आपने पहनाई है कार्लो एंचेलोटी, वो भी 3rd minute में ही क्लियरली आपने सरेंडर मार दिया भाई, सरेंडर मार दिया। तो भाई यहाँ पे एक अच्छा लंबा शॉट देखने को मिला रोड्री की तरफ से, एंड भाई साहब दिस वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ रोड्री, एंड दिस वाज हाउ दिस फर्स्ट गोल वाज आल्सो स्कोर्ड। लाइक अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे ना तो आप बोलोगे कि ये तो पहला गोल का है ना बर्नार्डो सिल्वा का, बिकॉज एवरीबॉडी इज ब्लर्ड हियर राइट नाउ, बट नो ये 6th minute में रोड्री का कहानी था। अब आप यहाँ पे देखना, लुक वेयर लुका मॉड्रिच इज, लुक वेयर टोनी क्रूज इज, लुक वेयर कामाविंगा इज, एंड बेंजिमा को आप देखो कहां
पे हो, आप इतना टाइम एंड स्पेस रोड्री जैसे प्लेयर को दे दोगे तो फिर आप बर्नार्डो सिल्वा, महारेस जो सेकंड हाफ में आया, फिल फोर्डन जो सेकंड हाफ में आया, अर्लिंग हालैंड, केविन डी ब्रुइना, इनको आप फिर कितना स्पेस दोगे? और इनको आप अगर स्पेस दोगे तो स्पेस खा जाते हैं भाई। ये पहला गोल नहीं है, ये भाई सिल्वा का शॉट है। और आप देखो, टोनी क्रूस इज नॉट भाई सब कंफर्टेबल डिफेंडिंग, लुका मॉड्रिच इज नॉट भाई सब कंफर्टेबल डिफेंडिंग, कोर्तुआ हैड टू भाई साहब सेव रियल मैड्रिड अगेन एंड अगेन, ये रोड्री था। एनीवेज, फर्स्ट चांस वेरी क्लियर कट, अर्लिंग हालैंड एंड कोर्तुआ वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड इन यस्टरडेज गेम, बट स्टिल हालैंड गॉट द बेटर ऑफ हिम, बॉल पास करे थे बीट करके गोलकीपर को, बट अनफॉर्चुनेटली कोई था नहीं वहां पे, एंड दिस वाज द सेकंड गोल। एंड वंस अगेन लुक वेयर टोनी क्रूस एंड लुका मॉड्रिच इज स्टैंडिंग, नॉट कंफर्टेबल एट ऑल डिफेंडिंग डीप, दे आर नॉट जस्ट बिल्ट टू डू दैट, वो उनको आप आगे खड़ा करवाओ, उनसे पासेस वगैरह करवाओ, दे कैन नॉट डिफेंड वेल। एंड भाई इस उम्र में तो और नहीं, आपको कैसेमिरो की जरूरत थी इस गेम में, आपको चुआमिनी की जरूरत थी एज द सीडीएम इस गेम में। पहली गलती रियल मैड्रिड की, दे वर विदाउट एनी सीडीएम, विदाउट एनी कवरिंग, एंड दे फोर्स्ड टोनी क्रूस एंड लुका मॉड्रिच टू प्ले इन डिफेंस, और वहां पे आप अपनी अटैक का 90% मेरे हिसाब से निकाल करके ले गए हो। दिस इज योर गेम रियल मैड्रिड, आप टोनी क्रूस और लुका मॉड्रिच के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि वो अटैक बनाएंगे, विनीसियस जूनियर को पास देंगे, बेंजिमा को देंगे, रोड्रिगो को देंगे, लेकिन आपने जब उनको डिफेंस में खड़ा कर दिया ना, तो फिर आपकी 90% गेम अटैकिंग प्ले चली गई। यही पे गलती हुई टोनी क्रूस लुका मॉड्रिच से। और भाई साहब गजब का पास अर्लिंग हालैंड का बर्नार्डो सिल्वा को, बर्नार्डो सिल्वा भाई साहब विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स एंड स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, बट वंस अगेन लुक एट हाउ मच स्पेस भाई साहब रियल मैड्रिड वाज लीविंग फॉर केविन डी ब्रुइना। आप ऊपर देखें भाई, बेंजिमा कहां खड़ा हुआ है, और ऊपर जैक ग्रिलिश को भी कोई चेक करने के लिए नहीं है, रोड्री को कोई चेक करने के लिए नहीं है, इतना डीप रियल मैड्रिड कभी भी मुझे नजर नहीं आई। एनीवेज द वेरी गुड चांस जो एक मेरे को नजर आया था रियल मैड्रिड के इन द वेरी फर्स्ट हाफ वाज दिस पास फ्रॉम कमाविंगा, ऑल्दो इट वाज वंस अगेन लेट, बेंजिमा वाज आस्किंग टू रिलीज दैट बॉल भाई साहब कुछ समय पहले ही, बट पता नहीं रोड्रिगो थोड़ा सा जो है वो लेट रिलीज किया, जिसके चलते एडरसन गॉट बेटर ऑफ करीम बेंजिमा। आगे ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट दिस भाई साहब फियर्स राइवलरी बिटवीन काइल वॉकर एंड विनीशियस जूनियर, ऑल्दो विनीशियस जूनियर वाज बेटर इन द फर्स्ट लेग, सेकंड लेग में ये मुझे समझ में आता कि काइल वॉकर ने बैठ के पूरे जो है वो विनीशियस जूनियर वर्सेस अराउगो के कंपाइलेशंस देखे और भाई साहब समझे कि कैसे इसको जो है वो श्रग ऑफ करना है। ब्यूटीफुल डिफेंडिंग फ्रॉम भाई साहब काइल वॉकर स्टॉपिंग विनीशियस जूनियर। अब जब आप अपने ओपोनेंट को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते हो जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है, वो भाई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने आप की जिंदगी बचाने के लिए, एंड रियल मैड्रिड लिटरली डिड दैट। टोनी क्रूस की तरफ से लॉन्ग शॉट अपन को देखने को मिल, बिकॉज नथिंग वॉज वर्किंग एट ऑल, मैन सिटी भी डीप जाती थी, बट वो तभी जाती थी जब भाई साहब वो काउंटर अटैक चलता था, वो कंफर्टेबल नहीं होने दिए रियल मैड्रिड को ना, आप रियल मैड्रिड वाले कंफर्टेबल होकर के जो है वो डीप गए। एनीवेज अ वेरी गुड लॉन्ग शॉट फ्रॉम भाई साहब टोनी क्रूस, बट वो पोल में लग करके जो है वो छिटक गया। सेकंड गोल भाई साहब वंस अगेन वेरी डीप एवरीबॉडी, एंड भाई साहब टाइम एंड स्पेस जहां पे टोनी क्रूस लुका मॉड्रिच कमाविंग वर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग इन द डीप, भाई साहब गुंडागोन ने जो है वो ड्रिबल करके कोर्तुआ ने फिर से बचाया, लेकिन कोर्तुआ कितना बार बचाएगा बॉल छिटक करके, कभी तो जो है वो लक फेवर करेगी द बेस्ट को। और जो है वो भाई साहब बर्नार्डो सिल्वा ने हेडर मार करके 2-0 की जो है वो भाई साहब लीड प्रोवाइड कर दी मैन सिटी को। सेकंड हाफ में वी सॉ दिस ब्यूटीफुल फ्री किक फ्रॉम अलाबा, बट भाई साहब एडरसन ने हाथ लगा करके बचा दिया। मोर ओवर लेट्स टॉक अबाउट दिस राइवलरी एज वेल, कारवाहाल एंड भाई साहब जैक ग्रिलिश, जहां पे कारवाहाल बहुत बार बसते हुए नजर आए थे जैक ग्रिलिश से पहले लेग में, जहां येलो कार्ड भी नहीं मिला था कारवाहाल को टू माय वेरी सरप्राइज, बट भाई साहब कल तो जैक ग्रिलिश वाज रूलिंग ऑल ओवर द पिच। एनीवेज वंस अगेन रियल मैड्रिड बेटर भाई, कोई चांस बना नहीं पा रही थी, तो एक लॉन्ग शॉट लेना ही सही समझा, फिर से लॉन्ग शॉट जो है वो उड़ के चला गया। बट दैट थर्ड गोल माइट स्टिंक अ लॉट बिकॉज इट वाज अ ओन गोल, बिकॉज इट वाज एन ओन गोल फॉर एडर विलटा। एक नजर में तो देख करके लगा कि भाई साहब अकंजी ने गोल मारा है, लेकिन एट द एंड इट वाज मिलिटाओ जिसकी तरफ से ये भाई साहब मिस्टेक हो गई और 3-0 जो है वो अप हो गई मैन सिटी। और इस 3-0 के बाद भाई साहब इट वाज कंफर्म्ड कि भाई मैन सिटी इज गोइंग इनटू द फाइनल्स, बट उस चीज में एक और चीज आपको दे दिया, पेप गार्डियोला ने अपने बेंच से जो है वो 3 ऐसे प्लेयर्स को बना करके नया अटैक उतार दिया, महारेस, फिल फोर्डन और भाई साहब जूलियन अल्वारेस, कि वो जो थकी हुई रियल मैड्रिड थी और भी थकने लग गई कि भाई गजब की पास फिल फोर्डन का भाई अल्वारेस को, अल्वारेस जो है वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में तो गोल मारा ही मारा था, वो सेमीफाइनल यूसीएल में भी आपको गोल मारते हुए नजर आ गया। गजब की परफॉर्मेंस मैन सिटी की तरफ से भाई। आई पेप गार्डियोला यार, पेप गार्डियोला लाइक
क्या अगर वो जीत गए UCL तो वो गोट मैनेजर बन जाएगा मेरे ख्याल से. वो गोट मैनेजर था ऑलरेडी. हाँ ठीक है, वो बार्सिलोना के बाद कभी UCL जीता नहीं, बट ही वाज एवरी टाइम ही वाज रियली वेरी क्लोज. लुक व्हाट ही हैज डन इन प्रीमियर लीग, बट स्टिल भाई वो हेट, क्योंकि बिकॉज ही बिलोंग्स टू बार्सिलोना है ना, मेनी पीपल हेट हिम. लेकिन अगर वो UCL जीते ना जीते, मेरे ख्याल से वो गोट मैनेजर की लिस्ट में आता ही आता है. द वे ही मैनेज्ड ये मैन सिटी की टीम एंड मेड इट लुक अलाइक विद दैट बार्सिलोना की सेक्सट्यूपल वाली टीम ना, गिविंग रोड्री वो रोल जो भाई साहब बुस्केट्स को मिलता था, गिविंग बर्नार्डो सिल्वा दैट रोल जो भाई साहब मेसी को मिलता था. पेप गार्डियोला हैज डन इट अगेन, एंड इफ पेप गार्डियोला डस नॉट ओवरथिंक्स इन द फाइनल, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दिस टाइम, पिछली बार तो चलो चेल्सी ने रोक लिया था, दिस टाइम दे माइट गो अहेड एंड विन UCL भाई एंड कंप्लीट द ट्रेबल. एज टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, क्या रियल मैड्रिड की सीजन जो है वो बार्सिलोना से बेटर गई है? दिस इज वंस अगेन अ डिबेट जो मैं देख रहा हूं ट्विटर में. ऑब्वियसली नॉट. बिफोर रीचिंग द सेमीफाइनल्स, मैं फिर से कहूंगा, मैं याद दिला दे रहा हूँ मैड्रिड फैंस को, वो बमक रहे थे कार्लो एंचेलोटी के ऊपर बिकॉज तुम्हारी लीग अच्छी नहीं जा रही थी. वो तो तुम सेमीफाइनल पहुंच गए तो तुम्हारे सीने की चौड़ जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई. मोर ओवर भाई, इस सीजन रियल मैड्रिड ने केवल एक ही जो है वो ट्रॉफी जीती है, यू माइट से टू ट्रॉफीज, बट मैं भाई साहब क्लब वर्ल्ड कप को जो है वो नहीं गिनने वाला हूँ. सुपर कप, क्लब वर्ल्ड कप पिछले सीजन में काउंट होता है, आप पुराने जो है वो ट्रॉफीज को काउंट नहीं करवा सकते हो इस सीजन के जो है वो भाई साहब ट्रॉफी के कैबिनेट में. आई एम फेमिलियर विद योर गेम, यू कैन नॉट फूल मी मैड्रिड फैंस, तुम ट्रॉफी गिनाने में बहुत माहिर हो, ठीक है. तो नहीं, एक ही ट्रॉफी इस सीजन जो है वो जीत हुई है, वो है कोपा डेल रे, दैट्स इट. उसके अलावा हाउ वाज रियल मैड्रिड सीजन, इट वाज नॉट दैट गुड. ला लीगा में 15th फिनिश, या देयर नीड सेमीफाइनल्स ऑफ द UCL की कंपटीशन, बट एज आई टोल्ड यू गाइस, जितना ज्यादा ये चीज उनको हेल्प करता है ना कि ये हमारा कंपटीशन है, दिस इज आवर कंपटीशन, आप सेमीफाइनल से निकल जाओगे ना, तो वो बाइट भी उतने जोर से करता है. सो रियल मैड्रिड की मैं कह सकता हूं सीजन इज नॉट बेटर देन बार्सिलोना. बार्सिलोना वॉन द ला लीगा, वॉन दिस स्पेनिश सुपर कप विद अ भाई साहब टूटी फूटी टीम एंड अ वेरी न्यू मैनेजर हु इज इनएक्सपीरियंस्ड बिकॉज ही प्लेड इन कतार. और यहाँ तो आपके पास वर्ल्ड टैलेंट था ना, विनीशियस जूनियर द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड, कमाविंगा द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, लुका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूस कैन स्टिल गो फॉर 2 years, एडर मिलिटाओ द बेस्ट डिफेंडर, वल्वर्डे द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड एंड रोड्रिगो द बेस्ट क्लच प्लेयर इन द वर्ल्ड. नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा.